कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत के मित्र देश भी कनाडा पर उसी तरह से टूट पड़े जैसे कि अमेरिका ने भारत से ये कहकर पल्ला छाड़ दिया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो जांच में मदद करे। उसी तरह अब रूस, इजराइल और जापान ने कनाडा को कह दिया कि भारत के साथ थोड़ा सही से बात करो, बिना तथ्य मत बोलो, जिसके बाद अब दुनिया में उथल पुथल मच गई। चलिए अब एक एक करके बताते हैं किस तरह से रूस, इजराइल, जापान का नाम आया कनाडा भारत विवाद के बीच और क्या क्या कहा इन सभी देशों ने। सबसे पहले बात रूस की, तो रूस की मीडिया में कहा जा रहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी नरमी रखनी चाहिए और पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। रूस की सरकारी न्यूज नेटवर्क आरटी ने अपने एक एनालिसिस लेख में लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को ये दिखाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठा सकते थे कि उनकी सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर गंभीर है। भारत खालिस्तान को बड़ी चिंता के रूप में देखता है और खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के समाज के लिए भी खतरा है। इसके जरिए ट्रूडो की सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिखों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ट्रूडो ने बिना कोई सबूत पेश किए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के रिश्ते में तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है जब तक कनाडा की सरकार सच में आतंकवाद, अलगाववाद और भारत खिलाफ उग्रवाद के मुद्दे पर काम नहीं करती। ये तो रहा रूसी मीडिया का कनाडा को समझाना, लेकिन अब बात भारत के मित्र देश इजराइल की। तो इजराइल के इस विवाद में एंट्री कराई पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में भारत कनाडा संबंधों को लेकर एक से लेकर एक झूठे दावे किए जा रहे हैं, झूठी थ्योरी बनाई जा रही है और उन्हीं में से एक थ्योरी ये है कि इजराइल की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हुए। पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को दोष देता है और कहता है कि भारत कनाडा संबंधों की दिक्कत के लिए इजराइल जिम्मेदार है और ये भी कहता है कि रॉ मोसाद से बहुत कुछ सीख रहा। और तो और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्थिति पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि भारत एक शरारती राष्ट्र बन गया जो नेटो सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। अब भारत और इजराइल की इसमें एंट्री हुई तो अगला नंबर जापान का है और जापान ने साफ साफ कनाडा से कह दिया कि भारत के खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम साथ नहीं देंगे। जापान टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हैं। कनाडा के चीन से भी संबंध कुछ इसी वजह से खराब हुए हैं। खैर, जिस तरह से भारत के लिए भारत के दोस्तों ने कनाडा की क्लास लगाई, उसके बाद कनाडा का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसे बेहाल हो गया। देखना तो ये होगा कि आगे क्या होगा भारत कनाडा के विवाद के बीच। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत का नंबर वन दोस्त कौन है, रूस, इजराइल या फिर जापान? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।